हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों कि दुबई की ये जो पांच कंपनी के बारे में, जो अगर इस कंपनी में आओगे तो सही में बता रहा हूं दोस्तों कि आप ज़िंदगी भर रहोगे, क्योंकि मैं पर्सनली इस कंपनी के बारे में वर्करों से पूछा हूं, बातें किया हूं, फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी खुद मैं दुबई में 12 साल से जॉब कर रहा हूं। तो जो भी बताऊंगा यार रियलिटी के बेस पे बताऊंगा, क्योंकि जब मैं उन लोग वर्करों से बात किया हूं दोस्तों तो मुझे तरस आ गया, क्यों ऐसे चार चार महीना पाँच पाँच महीना सैलरी पेंडिंग, वो लोग को सैलरी नहीं मिलती है, जाने के टाइम टिकट नहीं देती है कंपनी, और बहुत तरह का प्रॉब्लम। क्योंकि ये जो भी पांचों कंपनी है सप्लाई कंपनी है, इसका नाम चेंज कर कर के ये लोग सब कंपनी बनाया है दोस्तों। और ये कंपनी में आपको भूल से भी नहीं आना, क्योंकि जो भी मैं नाम बता रहा हूँ दोस्तों आप लोग के मेमोरी के लिए, उसका लोगो यूज नहीं कर रहा हूँ, फोटो यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई लोग कंपनी वाले मेरे खिलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो पांच कंपनी का नाम जो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, इसमें आप का अगर कहीं भी इंटरव्यू इसका चलता हो तो आप बिल्कुल मत आना, क्योंकि मेरा काम यही है कि मैं आप लोग का अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। क्योंकि यार कोई भी अगर गलत कंपनी में आकर फंस जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं खुद वर्कर हूँ यार। और जब आदमी इतना मेहनत से वहाँ से एक एक लाख 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार रुपये पैसे देकर आता है दुबई के अंदर, और पता चलता है कि वो कोई गलत कंपनी में फंस गया, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप इंडिया या पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी हो तो आप कैसे पता करोगे कि कंपनी अच्छी है कि ख़राब है। कोई भी एजेंट तो ये नहीं बोल सकता है कि भाई वो कंपनी ख़राब है उसमें मत जाना, वो तो हर कंपनी ख़राब को भी, उसको तो सिर्फ अपना कमीशन से मतलब है, कैसे भी पैसा लेगा और आपको भेज देगा। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम के सलूशन के लिए दोस्तों मैं इस चैनल पर सिर्फ कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि कौन सी कंपनी दुबई में अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं ना, वापस जाने के लिए एक एक रुपये दो दो रुपये का भीख मांगते हैं, और दूसरी दूसरी कंपनी में जाकर के कैसे भी मुझे टिकट, लोग बोलते हैं कि हाँ ये विजिट वीजा में टिकट रिटर्न मिलता है, मगर एजेंट इतना हरामी होता है कि एजेंट लोग टिकट भी कैंसिल करा देते हैं। फिर वापस जाने के लिए उन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, लास्ट में खुद वर्कर भाई लोग के पास आते हैं, दो दरम चार दरम ऐसा मांगते हैं फिर वापस जाने के लिए। इस अवेयरनेस के लिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ दोस्तों, कि ताकि कोई मेरा वर्कर भाई ना फंसे, क्योंकि वर्कर की फीलिंग है ना मुझे मालूम है दोस्तों कि कितनी मुसीबत से इंसान दो पैसे कमाने के लिए अपने बाल बच्चे छोड़कर यहाँ पे आते हैं। तो ये कंपनी जो भी मैं पांचों बता रहा हूँ दोस्तों, और आपके भी कंपनी के बारे में कुछ पता करना है तो चलता वीडियो भर में चार अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। अगर उस कंपनी के बारे में मुझे पता हुआ तो मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, और नहीं तो फिर मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो चलिए शुरू करता हूं, बताता हूं कौन कौन सी कंपनी है। पहला जो कंपनी है दोस्तों वो है टी एन को ग्रुप। ये कंपनी में नाम सुन लेना दोस्तों, TNCO ग्रुप। ये कंपनी में आपको भूल कर भी नहीं आना है, ये कंपनी में आओगे तो बहुत बुरी तरह फंसोगे। दूसरा है नेशनल यूकोरियम, याद रखना नाम दोस्तों, मैं लोगों नहीं यूज कर रहा हूँ, जैसा मैं बताया कि प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि कंपनी वाले लोग ने पहले मेरा चैनल ऐसा ही डिलीट करा दिया, तो ये कंपनी हो गया दोस्तों। दूसरा है एफएम टेक्निकल सर्विस, ये भी कंपनी में बिल्कुल नहीं आना दोस्तों, ये टेक्निकल का काम कराती नहीं है, ये सप्लाई से टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर को अपने कंपनी में बुलाती है और दूसरे कंपनी को सप्लाई में देती है, और फिर कंपनी वर्करों के सैलरी वगैरह भी नहीं देती है, ठीक है। दूसरा है इन टी सी मतलब ETC, ये कंपनी दोस्तों फुल फॉर्म ETC, ये भी कंपनी में आपको बिल्कुल नहीं आना है, नाम मैं दो तीन बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में याद हो जाए दोस्तों, और ये भी कंपनी में आपको भूल कर भी नहीं आना है। दूसरा है दोस्तों VTC नेशनल, ये कंपनी दोस्तों फुजेरा की कंपनी है, और ज़्यादातर इसमें सप्लाई मतलब वर्कर लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी सप्लाई है और नाम ऐसा रखता है जैसे इंग्लिश वर्ड यूज करता है, लोग को पता ना चले कि हाँ भाई ये कंपनी में हमको नहीं जाना चाहिए। तो ये जो पांचों कंपनी बताया दोस्तों, ये कंपनी में आपको बिल्कुल नहीं आना है, और जो मैं बोला हूँ चलता वीडियो में चार अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर रिप्लाई देगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जब तक गुड बाय।